रहने यहाँ है तू? गुंजन दीदी कहाँ? अगर गुंजन दीदी गहने नहीं लेने आई है तो तू कहाँ गई होगी? बेटा दिखा इनको बैग दिखा। इन गहनों में से रंग क्यों छूट रहा है? ये तो असली होने चाहिए ना। आपने गहने बदले थे ना? मैंने तेरे कहने पर। हाँ क्या? ये गहने नहीं बदले थे। क्या प्रीत बचा पाएगी अंबा को गांव वालों की बेइज्जती से जब पता चलेगा उन्हें गहनों का सच? तुम्हारा मैं मसला हल कर देता हूँ, मैं खुद ही जाके उनको बता देता हूँ। और अमन को बचाने की कोशिश में लगा राज क्या अपने आप को बचा पाएगा या चंदर के जाल में फंसकर हार जाएंगे राज और प्रीत? जगन को नहीं मिल के आया, उसको मैंने ही भेजा था ताकि वो गुंजन को धमका सके और असली गहने मेरे पास आ जाए। कैसे बचेंगे राज और प्रीत इस मुश्किल से जानने के लिए देखिए। कांग्रेचुलेशंस, आपका लोन अप्रूव हो गया है। दिवाली भी पूरी हो गई और ये लोन भी पूरा हो गया, लेकिन प्रीत ने अब तक इजहार नहीं किया कि वो मुझसे प्यार करती है। वो अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करेगी, अपनी मोहब्बत पे यकीन रख। आप अपनी हैसियत को कुछ ज्यादा ही आंक रहे हैं चाचा। अब आप पवनियों के शाह नहीं हो। जेल जाने के बाद आप शाह होने के सारे अधिकार हो चुके हो। माफ कर दो भाई, माफ कर दो, मैं तो भूल ही गया था आप भी यहां खड़े हो। हैं? आप ही तो मुझे बताओगे मेरी हैसियत क्या है? है जी, तो चलो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं शाह नहीं हूं पवनियों का तो फिर कौन है शाह? ये जो औरत यहां खड़ी है ये शाह है पवनियों की? हाँ ये वही औरत है जिन्होंने तुझे लड़कों के कपड़े पहना के पूरे पिंड के सामने शाह बना दिया था। उसके बाद हुआ क्या? पकड़े गए ना तुम लोग, फिर तुम्हारे कांड भी सबको पता चले हैं भाई। घर से बाहर थे तुम, अब क्या करें? अच्छा अच्छा, अब ये नाटक खुद रचेगी, खुद लड़कों के कपड़े पहनेगी, दाढ़ी मूछ लगाएगी। लेकिन प्रीत बात ऐसी है कि तेरी माँ मूछों का वजन संभाल नहीं पाएगी। वीर जी, जिस काम के लिए हम आए थे वो हो गया। अच्छा हुआ प्रीत तू आ गई, देखना ये क्या कर रहा है। मैंने बोल दिया जब तक मैं सिमरन से बात नहीं कर लेता ना मैं यहां से हिलूंगा नहीं, लेकिन ये बैग पैक किए जा रहा है। राज कहां जा रहा है तू? और ये सब क्या है? नीचे से प्रोमिला और लैला का इंतजार कर रहे हैं। ये ले कपड़े पहनो, तैयार हो जाओ, नीचे आ जा, चल ये ले। जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे वो हो गया। ये प्रोमिला और लैला का खेल अब और नहीं खेलना, अभी हमें घर चले जाना चाहिए। प्रीत घर? हाँ प्रीत, काम के लिए आए थे वो तो हो गया ना। अब अगर ज्यादा दिन रुके तो कुछ गड़बड़ हो जानी है, इसीलिए चले जाना ही ठीक है। आप लोग हमारे घर का हिस्सा बन गए हो तो आप लोग भी हमारे घर का ना तमाशा देखो। ओ, वैसे वो दो वो क्या नाम था उनका, वो
परमिला लल्ला। ओ परमिला, ओ लल्ला जी, कितने हो भाई, नीचे आओ। है कहाँ ये? अच्छा लो छाड़ो। अजी, आप आओ, आ जाओ अंदर आ जाओ, आओ जी। सस्रियाकाल, हम महिला आयोग से आए हैं। ओ वही वाला महिला आयोग जहाँ से वो परमिला जी और लल्ला जी को आपने भेजा था, हैं? प्रमिला, लल्ला, वो कौन है? देखिए, हमने महिला आयोग से इस नाम की किसी भी महिला को आपके यहाँ नहीं भेजा है। राज, राज, ढेट कहीं का? कितना ढेट है तू? उस दिन तेरी चमड़ी उलड़वा दी, उसके बाद भी तुझे चैन नहीं मिला। दुश्मन जात दुश्मन ही होती है। कुत्ते की पूंछ 100 साल काढ़ के भी रखो ना, तो भी सीधी नहीं होती। तुम सब धोखेबाज हो। तेरा बाप, तू, तेरी सौतेली माँ, तेरा पूरा खानदान, क्या बिगाड़ा है ऐसा हम लोगों ने तेरा? क्यों बार बार आता है मेरी बेटियों को परेशान करने? क्यों नहीं चला जाता अपने घर, अपने रास्ते? पहले मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, उससे धोखे से शादी की। नहीं, तूने तो सच बोला था ना, सच बोला था ना, लेकिन पेड़ पूरे होने के बाद, है ना? क्यों, क्यों? उसका मंगलसूत्र निकाल के उसी वक्त तूने हवन में फेंक दिया। कभी नहीं भूलूंगी, अपनी बेटी को कलपते हुए देखा है मैंने। मेरी बात सुन। चुप, एक शब्द नहीं, चुप। आज तेरा हिसाब किताब अंबा पवनिया करेगी। अपनी बेटी के साथ धोखा करने का हिसाब किताब तुम्हारे पूरे खानदान का हिसाब किताब अंबा पवनिया करेगी। आज दिखाएगी अंबा पवनिया, आज दिखाएगी कि धोखे का अंजाम क्या। मारो इसे। मम्मी, छोड़ो मुझे। मैं खुद को मारने की बेवकूफी कभी नहीं करूंगी मम्मी। मुझे मेरे राज के प्यार के लिए जीना है। अब मुझे उसे अलग कर सकती है मगर उसे जुदा नहीं कर सकती। तूने ये देखी मम्मी, इन कपड़ों में हम भी उसकी मैं की मम्मी। राज और प्रीत का जो जोड़ है ना, बड़ा मुश्किल होगा उनको तोड़ना। हमारा काम अंबा खुद करेगी। भगवान कंस के आनंद में बाधा डालने वाली वो स्त्री थी कौन? महारानी रोहिणी अक्रूर के मृतक शरीर को बचाने का प्रयास करती हैं, किंतु प्रेत भद्राक्ष तथा चानूर भी अक्रूर के शरीर को खोजते वहां पहुंच जाते हैं। मनुष्य के गंध आ रहे हैं। मैं आपको वचन देता हूं, आज के बाद अकारण ही मैं किसी को श्राप नहीं दूंगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मन्नत लेना छोड़ दीजिए लक्की जी। दरवाजा खोल बड़ो, एक में मेरी बात तो सुन बड़ो। हाय मालकी, आ गया था ना सबर, नहीं तो अपनी लाडली बहू ने कुश्ती लड़ने के लिए सरेआम इजाजत दी और इब उसने पूरे गांव के सामने हमारे खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अरे परिवार ने इतने बुरे दिन दिखाने की जिम्मेदारी कोई है तो वो बड़ो। इब तू देख मैं कैसी चाल चलूं, इतने लोग कट्ठे करूंगी अपने समर्थन में कि राणा के बापू पे ही बड़ों की कुश्ती छुटवा दूंगी। अभी जी गौर से देखिए मेरी आंखों में क्या नजर आ रहा है आपको? अकच्छ तो नजर आ रहा है, अकचरा है आंख के अंदर। अरे आप ठीक से मुंह नहाए धोए का? ये पूजा का सारी तुम खुद अपने हाथों से भरिया खुद।
छोटी मैया का चूल्हा स्थापित किया है, हमारा व्रत खंडित करना चाहते हो क्या?